एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रितु फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है। और मेरी हो चुकी है विदाई मेरे मायके से। और देखिए मेरे को छोड़ने कौन कौन आया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपनी ससुराल। और मुझे नहीं पता था कि रास्ते में मेरे साथ और मेरी हो चुकी थी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब, बहुत ज़्यादा। तो मैं यही सोची थी अगर मैं मुझे गाड़ी में कुछ हो गया तो बच्चे अकेले हैं गाड़ी में, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो बड़ी हिम्मत करके थोड़े होश में रही, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर भी आ रहे थे और सर में तो इतना तेज़ दर्द हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत दिखाई और यहाँ पर हो गई थी CNG ख़त्म। तो गैस भरवाने के लिए भैया खड़े हुए थे गाड़ी में। और घर जाते जाते इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे 2-3 बोतलें चढ़वानी पड़ी, यानी कि ग्लूकोज़ की बोतल चढ़ानी पड़ी। और डॉक्टर भी आ चुके थे। घर आने के बाद मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, क्योंकि सर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। और कैसे कैसे बोतल चढ़ी, कब डॉक्टर आया, मुझे कुछ भी नहीं पता। और ये बच्चों ने ही वीडियो बनाई है, कब बनाई इसका भी मुझे नहीं पता। एडिट करिए तब जाके मुझे पता चला कि बच्चों ने वीडियो बनाई है। और ये है नेक्स्ट डे का, यानी कि अष्टमी नौवे वाले दिन का। तो कंचिका के लिए मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाई थी। प्रसाद में काले चने, हलवा, पूरी, सब्ज़ी होती है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाई। तो इन्होंने हलवा ही बना के और प्रसाद दिया, केले वगैरह, दक्षिणा, ये सब इन्होंने करके। और ये गए थे ऑफिस क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो कंचिका पूछने के बाद फिर डॉक्टर आया था शाम को और मेरे ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, और उसमें इंजेक्शन भी लगाए थे। तो इस इंजेक्शन से ना मेरे हाथ में एलर्जी हो गई थी। मैं कह रही थी भैया से कि मेरे हाथ में एलर्जी हो रही है, खारिश खारिश सी हो रही है। कह रहे ये इंजेक्शन लगता है ना तो इसमें ऐसी एलर्जी होती होती है। तो तबीयत जब ठीक ना हो ना तो कुछ भी मन नहीं करता करने का फिर भी। और बच्चे देखिए मेरे पास ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे इधर उधर, कह रहे क्या हो गया। तो बच्चे मेरे पास ही बैठे रहे थे। और फिर नेक्स्ट डे था दशहरा और यहाँ पर मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी ठीक और फिर से मैं लग गई अपने काम पर, क्योंकि एक दिन का रेस्ट ही मेरे लिए बहुत है समझो। तो बस यहाँ पर दशहरे की तैयारी हो रही है। और आपके यहाँ कैसे होता है, कैसे बनता है, कमेंट में ज़रूर बताना। और इनको ऑफिस जाना था, ये ऑफिस चले गए हैं, संडे का दिन है। और बस बच्चे पूजेंगे और भैया पूजेंगे। दशहरा पूजन का प्रसाद भी बन चुका है। हमारे यहाँ जवे बनते हैं, घी का रायता बनता है, कचौड़ी, मतलब पकवान में कुछ भी बना लो। तो खाना वगैरह तो सब बन चुका है और अब बस पूजा होनी है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। चलो भाई का हाथ पकड़ लो, भाई करेगा टीका लगाओ, भाई का हाथ पकड़ ले, भाई टीका लगाओ, भाई का हाथ पकड़ लो तीनों। दशहरा पूजन के बाद बहन अपने भाई के कान पर लगाती है नौरते, जो हम बोते हैं ना नवरात्रों में, वही कान पर लगाए जाते हैं। तो चलिए आज का छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।